नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें जाति के आधार पर गणना करवाने की मोहर सरकार ने लगा दी है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो अब सीएम नीतीश कुमार की तरफ से पूरी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है, खाका तैयार कर लिया गया है कि किस तरह से आगे ये गणना करवानी है। साथ ही साथ बता दें कि अब जिम्मेदारी भी सीएम नीतीश कुमार ने सौंप दी है कि किसे किस तरह से काम करना है। बात करें तो इस वक्त 39 सांसदों को बड़ा टास्क दिया गया है और अब इन्हीं सांसदों के ऊपर जिम्मेदारी जो है वो सीएम नीतीश कुमार ने सौंपी है, ताकि आगे बिहार में जातीय जनगणना करवाई जा सके और इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं कि क्या कुछ फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है और किन किन सांसदों को ये जिम्मेदारी दी गई है। बात अगर हम करें तो इस वक्त बिहार में सभी धर्मों और संप्रदाय के लोगों की जाति आधारित गणना होने से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की वास्तविक जानकारी मिलेगी। सर्वदलीय बैठक में इस संबंध में चर्चा की गई है और साथ ही साथ खर्च का मसला भी उठा है। सभी 9 दलों ने मुख्यमंत्री को गणना में होने वाले खर्च के लिए केंद्र से आर्थिक मदद मांगने का सुझाव दिया। कहा गया है कि बिहार के 40 में से राज्य के 39 सांसद हैं जिन्हें एकजुट होकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर पैसे की मांग करनी होगी। सर्वदलीय बैठक में शामिल भाकपा, माकपा और भाकपा माले ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। बात करें तो भाकपा राज्य सचिव मंडल के सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने बताया है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए जाति आधारित गणना का खर्च उठाना उचित नहीं है, इसका खर्च केंद्र को वहन करना चाहिए, साथ ही पूरी गणना पारदर्शिता से कराई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि हमें समय सीमा के अंदर जाति आधारित गणना कराने की मांग की है। बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे जातियों एवं उपजातियों की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। साथ ही बात करें तो माकपा राज्य सचिव मंडल के सदस्य ललन चौधरी ने कहा है कि हमारी पार्टी ने अगले 9 से 10 महीने के अंदर गणना का काम पूरा करने की बात रखी है, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई है। पहली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित कर अमल कराने की सहमति दी गई है। और साथ ही साथ बात करें तो भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा है कि जाति आधारित गणना बिहार के हित में है, हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन है, बिहार के इस मुहिम में केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गणना कार्य प्रारंभ करने से पहले राज्य सरकार विज्ञापन और इंटरनेट मीडिया आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराए, ताकि लोग इस कार्य में भाग ले सके। तो बता दें कि जाति जनगणना कराने को लेकर जो खर्च है वो केंद्र सरकार से मांगने की बात इस वक्त कही जा रही है और इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार को ये सुझाव दिया गया है कि इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर खर्च मांगे जाएं, पैसे मांगे जाएं, ताकि राज्य सरकार पर इसका कोई असर ना पड़े और काम भी सही से हो सके। ऐसे में आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या फैसला होता है, क्या वो केंद्र सरकार से मदद मांगते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त सर्वदलीय बैठक में जाति के आधार पर गणना करवाने पर जो मुहर है वो लग चुकी है और अब सब कुछ सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर ही निर्भर करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।